दोस्तों, आज के क्रिप्टो न्यूज की शुरुआत एक बहुत ही अर्जेंट इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ करने वाला हूँ। अपडेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी की प्रॉफिट की बड़ी अपडेट है। दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है इथेरियम बेस्ड जितने भी एल्ट क्वाइन है दोस्तों, वो मेजर ब्रेकआउट दिखा सकते हैं 2022 के शुरुआती फेज़ में। अगर दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो प्रैक्टिकली आपको एक करेक्ट नॉलेज प्रोवाइड किया जा रहा है, जहाँ की दोस्तों जो एनालिस्ट माइकल वेंडे पॉपी है उनके तरफ से ये एनालिसिस निकल के आया है कि दोस्तों जो प्रैक्टिकल जो इथेरियम के एल्टकॉइन है वहाँ पे जो नए एल्टकॉइन है वहाँ पे हमें अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है और एक नया ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिल सकता है। बट दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो भैया शिबा इनू हो या फिर किसू इनू हो, दोनों ही ERC20 प्लेटफॉर्म पे बेस्ट प्रोजेक्ट है। तो आप सभी को क्या लगता है, वो दोनों प्रोजेक्ट में हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी? बट प्रैक्टिकली अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ पे इथेरियम बेस्ड एल्टकॉइन की रैली की शुरुआत होने वाली है और एक क्लियर सिग्नल है कि एल्टकॉइन सेशन भी बहुत जल्दी से चालू हो सकता है, जहाँ के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रॉन्ग एल्टकॉइन काफ़ी अच्छा ग्रोथ आप सभी को जनरेट करके दिखा सकते हैं। चलिए सीधे बढ़ते हैं अपने अगले क्रिप्टो अपडेट की तरफ। और दोस्तों, अगली अपडेट की अगर बात करें तो अपडेट काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, क्योंकि ये अपडेट किसी ऐसे वैसे व्यक्ति की तरफ से नहीं निकल के आ रही। दोस्तों, यहाँ पे EL सल्वाडोर के प्रेसिडेंट की तरफ से ये अपडेट निकल के आ रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है पूरे क्रिप्टो मार्केट को। और आपको पता है, जब EL सल्वाडोर की एडॉप्शन हुई थी दोस्तों, तभी हमें एक अच्छी खासी रैली देखने मिली थी मार्केट में। और दोस्तों, यहाँ पे फिर से एक बार EL सल्वाडोर के प्रेसिडेंट की तरफ से कुछ प्रिडिक्शंस निकल के आ गए हैं, इस पर गौर करना सबसे ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। जहाँ की सबसे पहले बताया जा रहा है दोस्तों कि विल रीच $100,000। तो दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है बिटकॉइन के रिगार्डिंग, क्या बिटकॉइन $100,000 पहुँच सकती है इस साल के एंड तक? जरूर से नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइएगा। और दूसरी अपडेट को अगर हम देखें, 2 or more कंट्रीज विल अडॉप्ट क्रिप्टो एज लीगल टेंडर। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्रिप्टो लिखा ही नहीं गया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग। तो दोस्तों यहाँ पे बेसिकली आपको बताया जा रहा है कि 2022 में 2 or 2 से ज़्यादा कंट्री जो है क्रिप्टो को अडॉप्ट कर सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छी बात रहने वाली है। प्रैक्टिकली अगर आप देखिएगा दोस्तों, तो क्रिप्टो अगर सच में अडॉप्ट होती है, क्रिप्टो अडॉप्शन अगर आगे बढ़ता है, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। आप सब इसके रिगार्डिंग क्या सोचते हैं, जरूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइएगा। चलिए सीधे बढ़ते हैं अपने अगले क्रिप्टो अपडेट की तरफ। और यहाँ दोस्तों, अगर हम अगली अपडेट की बात करें तो अपडेट ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, क्योंकि भैया यहाँ पे नाम आ रहा है विटैलिक भैया। आपको पता है भैया, विटैलिक भैया काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है, इथेरियम के को फाउंडर है। और दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है विटैलिक भैया को लेकर कि दोस्तों यहाँ पे जो बिटकॉइन कैश है दोस्तों, उससे विटैलिक भैया बोल रहे हैं भैया ये तो एक बिल्कुल बेकार है, मतलब इसके फेलियर कह रहे हैं विटैलिक भैया। दोस्तों अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो फेलियर का रीज़न तो मुझे प्रैक्टिकली पता नहीं है, बट दोस्तों यहाँ पे देखिएगा तो विटैलिक भैया ने काफ़ी ज़बरदस्त काम किया इथेरियम में, जिससे कि इथेरियम आज इस मुकाम पर पहुंची हुई है। तो दोस्तों अगर प्रैक्टिकली देखें तो विटैलिक भैया काफ़ी ज़्यादा कमाल कर रहे हैं क्रिप्टो मार्केट में, और आप सभी को विटैलिक भैया के चलते आगे चल के एक अच्छी रिटर्न देखने को मिल सकती है। आप सभी विटैलिक भैया के बारे में क्या सोचते हैं, जरूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइएगा। चलिए सीधे बढ़ते हैं अपने अगले क्रिप्टो अपडेट की तरफ। और दोस्तों यहाँ पे अगर हम अगली अपडेट की बात करें तो भैया यहाँ पे बात हो रही है कार्डेनो के CEO दोस्तों, यहाँ पे वो लगता है प्रैक्टिकली अगर हम देखें दोस्तों तो हो सकता है कार्डेनो के जो CEO वो थोड़ा नाराज चल रहा है। बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है भैया कार्डेनो का जो CEO है वो वहाँ पे दोस्तों यहाँ प्रैक्टिकली देखिए तो क्रिप्टो टैक्सेशन जो अमेरिका का बिल है दोस्तों, क्रिप्टो टैक्सेशन रिगार्डिंग उसके खिलाफ है। और प्रैक्टिकली दोस्तों होना भी चाहिए, क्योंकि दोस्तों USA के सबसे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जा रहा है, जिससे दोस्तों एक्सचेंजेस भी परेशान है, लोग भी परेशान है। तो आपको क्या लगता है, इसमें थोड़ा रिडक्शन होना चाहिए या फिर दोस्तों टैक्सेस को और बढ़ाना चाहिए? जरूर से नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइएगा। बट दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे चार्ल्स हॉकिंसन के सिटीजन US क्रिप्टो टैक्सेशन सिस्टम मॉकिंग प्रोजेक्ट दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको बताया जा रहा है कि भैया यहाँ पे अगर आपको कोई भी तरह की आपको अपडेट मिल रही है चार्ल्स हॉकिंसन की तरफ से, तो भैया वो थोड़े नाराज लग रहे हैं US के जो टैक्सेशन बिल आई दोस्तों उससे। दोस्तों बेसिकली बताया जा रहा है टैक्स काफ़ी ज़्यादा रखा गया है। तो आप सब इसके रिगार्डिंग क्या सोचते हैं, दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइएगा। साथ ही दोस्तों चलिए सीधे बढ़ते हैं अपने अगले क्रिप्टो अपडेट की तरफ। और दोस्तों अगर आज की फाइनल अपडेट की हम बात करें तो भैया क्रिप्टो को लेकर जो मास एडॉप्शन वाला सीन है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है दोस्तों, और लोग काफ़ी सारे लोग जो है क्रिप्टो के साथ जुड़ते जा रहे हैं। तो प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो 2022 को आप कह सकते हैं क्रिप्टो का ये ईयर रहने वाला, क्योंकि दोस्तों अगर आप देखिएगा तो कोविड के चलते लोग बाहर भी नहीं निकल पा रहे सही से, और क्रिप्टो के माध्यम से लोग जब अच्छी अर्निंग कर ही ले रहे तो बाहर निकलने की जरूरत क्या पड़ती है। प्रैक्टिकली अगर हम देखें दोस्तों
तो 2022 जो है डिजिटलाइजेशन का दौर रहने वाला है, और 2022 में काफ़ी कुछ कमाल धमाल आपको क्रिप्टो की तरफ से होते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि किसी भी कंट्री की तरफ से बड़ा धमाका कर दिया जाता है दोस्तों क्रिप्टो को लेकर के, या फिर कोई भी इस कंट्री में क्रिप्टो को लीगल कर दिया जाता है तो क्रिप्टो आपको एक अच्छी रैली निकाल कर जनरेट करके दे सकती है, जिससे कि इन्वेस्टर्स को अच्छा मुनाफा भी देखने को मिल सकता है। बाकी आप सभी इसके रिगार्डिंग क्या सोचते हैं जरूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोस्तों हम आप सभी के लिए इसी तरीके के बेहतरीन अपडेट्स लेके आते रहते हैं, जिससे कि आपकी प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो और लॉसेस बिल्कुल ना हो। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दी वीडियो माय डियर फ्रेंड्स।